हिमाचल में पहली बार कांगड़ा पुलिस नई पहल कर धर्मशाला शहर में किसी भी तरह के ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर सीधी कार्रवाई करेगी। चंडीगढ़ की तर्ज पर स्मार्ट सिटी धर्मशाला में अब ना तो कोई बिना हेलमेट ना ही कोई बिना सीट बेल्ट गाड़ी चला सकेगा और ना ही ओवर स्पीड या ट्रिपल राइड सहित किसी भी तरह से ट्रैफिक नियमों को तोड़ पाएगा। हिमाचल में पहली बार कांगड़ा पुलिस नई पहल कर धर्मशाला शहर में किसी भी तरह के ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर सीधी कार्रवाई करेगी। चंडीगढ़ की तर्ज पर स्मार्ट सिटी धर्मशाला में अब न तो कोई बिना सीट बेल्ट गाड़ी चला सकेगा, ना ही बिना हेलमेट और ओवर स्पीड या ट्रिपल राइड सहित किसी भी तरह से ट्रैफिक नियमों को तोड़ पाएगा। इसके लिए शहर के प्रवेश पर भी बड़े स्तर के हाई स्पीड कैमरे लगाए जाएंगे, जो किसी भी वाहन को आते जाते समय कैमरे में कैद कर लेगा। नियमों को तोड़ने वाले का चलान कट जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट की तरह इसे धर्मशाला से शुरू करने के बाद पूरे जिला में लागू कर लोगों को दुर्घटनाओं से बचाया जाएगा। कांगड़ा जिला के मुख्यालय धर्मशाला में अब ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों की हरकतें कैमरे में कैद होंगी। जिला मुख्यालय धर्मशाला में अब हाईटेक सीसीटीवी कैमरे यहां से गुजरने वाले वाहनों पर नजर रखेंगे। इस दौरान ये हाईटेक सीसीटीवी कैमरे यातायात नियमों की उल्लंघना करने वाले वाहनों के नंबर सहित फोटो कैप्चर करेंगे, जिनके बाद में पुलिस चालान काटेगी। शुरुआती दौर में ये हाईटेक सीसीटीवी कैमरे एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत बस अड्डा धर्मशाला से शहीद स्मारक तक के क्षेत्र में स्थापित किए जाएंगे। बाद में अगर पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर लगाए गए कैमरों का ट्रायल सफल रहता है तो इन्हें पुलिस विभाग ऐसे स्थानों पर स्थापित करेगा जो कि दुर्घटना संभावित क्षेत्र और जहां पर यातायात नियमों की अक्सर उल्लंघना होती है। ये हाईटेक सीसीटीवी कैमरे ओवर स्पीड, सीट बेल्ट और हेलमेट न पहनना व ट्रिपल राइडिंग पर नजर रखेगा। इन हाईटेक कैमरों को स्थापित करने से जहां यातायात नियमों की उल्लंघना करने वाले वाहन चालकों पर नजर रखी जा सकेगी, वहीं किसी वाहन आदि के चोरी होने व संदिग्ध वाहन की तलाश में भी ये कैमरे अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। पुलिस विभाग धर्मशाला में हाईटेक सीसीटीवी कैमरे स्थापित कर रहा है। इसके लिए एक कंपनी के साथ करार हुआ है। इन कैमरों को पहले ट्रायल बेस पर स्थापित किया जाएगा। ये कैमरे ओवर स्पीड, सीट बेल्ट और हेलमेट न पहनना व ट्रिपल राइडिंग करने वाले वाहनों पर नजर रखेंगे। हम लोग एक ट्रैफिक प्रोजेक्ट जिसको इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम नाम हमने दिया है, पायलट प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं, जिसमें हम ट्रैफिक वायलेशंस को रेगुलेट करने के लिए ह्यूमन इंटरफेस को कम से कम करने या ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें पायलट प्रोजेक्ट के तहत धर्मशाला शहर में एक जगह पर कुछ कैमराज लगाए जाएंगे, जिनके द्वारा ओवर स्पीडिंग, विदाउट हेलमेट, ट्रिपल राइडिंग या विदाउट सीट बेल्ट, जो भी इस तरह के ऑफेंसेस हैं वो ऑटोमेटिकली कैमरास डिटेक्ट करेंगे और हमारे मेन कंट्रोल रूम में उनकी पूरी डिटेल आ जाएगी और वहाँ से जो भी कोई फर्दर पीनल एक्शन उनके खिलाफ होना है वहाँ से होगा। तो इसके लिए फिर हमें मैन पावर की आवश्यकता ज़्यादा नहीं रहेगी और कोई किसी तरह का और एविडेंस भी प्रॉपर होगा कि उसकी फोटोग्राफ भी साथ में आएगी और जो वीडियो है वो भी साथ में रहेगा। तो इससे मुझे लगता है कि ह्यूमन इंटरफेस को कम करके हम शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को और बाद में अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहता है तो पूरे जिले की ट्रैफिक व्यवस्था को काफ़ी इफेक्टिव कर पाएंगे। सर, कितनी कॉस्ट इस प्रोजेक्ट पर जो खर्च की जाएगी? अब इनिशियली पायलट प्रोजेक्ट है तो ज़्यादा कॉस्ट नहीं है इसकी, सो 7-8 लाख के करीब जो है इसमें कॉस्ट खर्चा आएगा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ये मिलते हैं ब्रेक के बाद।